सबसे पहले क्योंकि आप ENT एक्सपर्ट हैं और मैंने जिक्र किया ब्लैक फंगस नाम की इस बीमारी का, और आज भी देश के कई राज्यों से ये जानकारी मिल रही है, ये खबरें मिल रही हैं कि ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ये कितनी बड़ी चुनौती है और इससे निपटने के लिए हम तैयार हैं क्या डॉक्टर वर्मा? देखिए, ये काफ़ी मतलब जो हम दवाइयाँ जो हम इसमें यूज़ करें कोरोना की बीमारी को लेके, कुछ लोग जैसे अपने आप ही यूज़ करें बिना डॉक्टर की सलाह लिए, जैसे व्हाट्सएप से प्रेस्क्रिप्शन मूव कर रहे हैं तो उसकी वजह से लोग खुद ले रहे हैं। इससे लोगों को पता नहीं है कि कौन सी दवाई उनको किस टाइम लेनी चाहिए, जिसकी वजह से बीमारी के पीरियड में इम्यूनिटी काफ़ी लो हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम मतलब इम्यूनिटी लो हो जाती है तो फिर फंगस के, क्योंकि इम्यूनिटी लो होती है फंगस के इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जिसको हम म्यूकर माइकोसिस कहते हैं, जो कि अभी हाल फिलहाल देश में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो लो इम्यूनिटी होने का मेजर कारण है। और स्टीरॉयड जो हम यूज़ कर रहे हैं इस बीमारी में जी, उसकी वजह से ज़्यादा है। बाकी जो दूसरी दवाइयाँ हैं वो भी इम्यूनिटी को लो करती हैं, तो ये सारी दवाइयाँ डॉक्टर के परामर्श से ही लेनी चाहिए। ठीक है, हाँ, अस्पताल जो है अभी मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा आ रही है इस तरह की बीमारियों को लेके, तो फिर अस्पताल में भी थोड़ी सिचुएशन ख़राब है, क्योंकि भाई एक साथ इतने सारे मरीज आएंगे तो इनका इलाज जो म्यूकर माइकोसिस का इलाज बहुत लंबा होता है, 2 से 3 महीने तक चल सकता है। अच्छा, इसमें 2 पार्ट होते हैं इसके इलाज के, एक तो एंटी फंगल थेरेपी जो कि एम्फोटेरिसिन बी जिसको हम कह रहे हैं, वो इसमें मतलब उसका एक प्रूवन रोल है, लेकिन उसको काफ़ी लंबे टाइम तक देना पड़ता है, और दूसरा ऑपरेशन करके इस बीमारी को निकाला जाए। तो कोविड की सिचुएशन में ऑपरेशन भी, क्योंकि कोविड अपने आप में ही काफी रिस्क क्रिएट करता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, यानी ऐसे वक्त में ब्लैक फंगस नाम की इस बीमारी के मरीजों का बढ़ना बहुत बड़ी चुनौती नजर आता है। डॉक्टर एन एन खन्ना भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और डॉक्टर खन्ना अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के एडवाइजर हैं, और हमारे दर्शक भी हमें लगातार फोन कर रहे हैं। एक कॉलर ले लेते हैं, MP से रुस्तम हमें फोन कर रहे हैं। रुस्तम, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, हमारी 2 बच्चियाँ हैं सर, तो उनके लिए हमें क्या करना होगा? रुस्तम, क्या जानना चाह रहे हैं आप? सर, हम लोग सब परेशान हो चुके हैं बुखार से, पूरा परिवार, और अब बच्चियाँ, अकेली बच्ची है, हम सोच रहे हैं इनके लिए अब क्या करें। बुखार कब से है आप सभी लोगों को? सर, 9 दिनों के टाइम तो भाई थी, अब तो सब लोग बुखार उतर गई है, लेकिन कमजोरी सबको बनी है, मेरी माँ है, दीदी और मैं हूँ। तो आपके परिवार में किसी को कोविड तो नहीं हुआ था, कोरोना तो नहीं हुआ था? यहाँ तो कोई जांच ही नहीं है, ना ही कोई डॉक्टर है ग्रामीण क्षेत्र में है सर। डॉक्टर एन एन खन्ना, ये देखिए बहुत बड़ी समस्या है, ग्रामीण इलाकों में कई जगहों पर टेस्टिंग नहीं हो रही है, और कई जगहों से मौत की खबरें भी आ रही हैं, और गांव वाले ये समझ रहे हैं कि बुखार और खांसी से मौत हो गई। इस स्थिति को सुधारने की इस वक्त कितनी जरूरत है सर? ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है। क्या हो रहा है कि एक तो गांव में फैसिलिटीज नहीं है, और ये गांव गांव में इन्फेक्शन फैल चुका है, और अगर हम इसकी टेस्टिंग नहीं करा रहे हैं तो हमें ये प्रेज्यूम करना चाहिए ये कोविड से ही रिलेटेड डेथ्स हैं या बीमारी है। और गवर्नमेंट के स्तर पे तो डेफिनेटली टेस्टिंग करना जरूरी है, मालूम होना चाहिए क्या इन्फेक्शन है, और वही प्रिकॉशन लेने हैं, बिकॉज अगर ये बीमारी गांव में फैली हुई है और छोटे शहरों में फैली हुई है तो इसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शहरों में जो आप सुन रहे हो कि केसेस कम हो गए हैं, वो थोड़ा टेस्टिंग भी कम हो गई है, लेकिन केस कम हो गए हैं, बट बीमारी शिफ्ट हो रही है छोटे टाउन्स और गांव में, जहां से ज्यादा आबादी रहती है और जहां फैसिलिटी, गांवों में मेडिकल व्यवस्था चरमराई हुई है, इसमें कोई शक नहीं है डॉक्टर खन्ना, लोग परेशान हो रहे हैं, कई जगहों पर टेस्ट की गुहार भी लगा रहे हैं फिर भी टेस्ट नहीं हो पा रहा है, अब वो लोग करें क्या? समस्या तो है, वो लोग यही करें, एक जो एक प्रिकॉशन है वो उसको लें, समझें ये कोविड हो सकता है और इसको कोविड जैसा ही इलाज करें, वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो उसको कोविड समझ के ही इलाज करें, प्रिजेंटिव इलाज वो बेटर है, रादर देन की मौसमी बुखार है या जुकाम खांसी है, उससे उतना काम नहीं हो पाएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।